हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। पैरासाइकिलिस्ट जलालुद्दीन का चयन उपयुक्त, बोले उज्जवल कुमार। बिहार सरकार ने किया प्रतिभा का सम्मान, एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिथिला को दिलाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान। उक्त बातें बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार ने जिले के टेक्टार ग्राम निवासी जलालुद्दीन अंसारी को खेल कोटे से अपर जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में अधिसूचना निर्गत किए जाने पर अभिनंदन करते हुए कहीं। आगे श्री कुमार ने खेल जगत की इस अप्रतिम प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविंद्र शंकरन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य नियाजुद्दीन अंसारी ने जलालुद्दीन की इस उपलब्धि के लिए क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक गौरव की बात कही। राजद पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद साइम ने अपार खुशी व्यक्त करते हुए समुज्ज्वल भविष्य की कामना की। जलालुद्दीन ने अभिनंदन से अभिभूत होते हुए इस उपलब्धि का प्रमुख श्रेय उज्जवल कुमार, मानव सेवा समिति के संस्थापक प्रोफेसर जयशंकर झा तथा शिक्षाविद डॉक्टर शिवकिशोर राय को दिया। जलालुद्दीन के लिए आज सुबह सुबह यह सूचना आई, जो मेरे लिए बड़ा ही सुखद क्षण था कि जलालुद्दीन को खेल कोटा से अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में इसका चयन हुआ। और यह खबर जैसे ही हम लोग के पास आई, हम लोग के चारों ओर हर्ष का माहौल हो गया। तो हम लोग आज बधाई देने के लिए जलालुद्दीन के गाँव ट्रैक्टर हम लोग उसके निज आवास पे पधारे हैं। और जलालुद्दीन पैरासाइकिलिंग के क्षेत्र में जो है सो जाना पहचाना नाम है। दिव्यांग प्रतिभा संपन्न पैरासाइकिलिस्ट जलालुद्दीन को कौन नहीं जानता है। इसने अपने पैरासाइकिलिंग का लोहा चीन में जाकर मनवाया, कजाकिस्तान में जाकर मनवाया, पेरिस में जाकर मनवाया और महज कुछ सेकेंड से मेडल तो जरूर छूट गया, लेकिन इसका जज्बा कहीं भी कम नहीं हुआ। और बिहार सरकार ने उसी जज्बा को देखते हुए आज उसको अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में उसको चयनित किया है खेल कोटा से। निश्चित रूप से जलालुद्दीन आगे मेडल लाने का भी काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का परम विश्वास है। लगभग 16-17 से हम जलालुद्दीन से जुड़े हुए हैं और इसके प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर जयशंकर झा जी, शिवकिशोर राय जी जैसे लोगों के सहायता से हम इसको यहां तक लाने में सफल हुए हैं।